नवीमुंबई के पूर्व उप महापौर भरत नखाते के जन्मदिन के उपलक्ष में आज आपला भरत चषक का आयोजन किया गया। इस अंडर आर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हालिया महापौर जवंत सुतार ने किया, जबकि पूर्व मंत्री और विधायक गणेश नाइक ने यहाँ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आयोजक भरत नखाते ने कहा कि बच्चे स्वस्थ रहें और उनकी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन मिले, यही आपला भरत चषक का उद्देश्य है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह नवीमुंबई के वाशी में आयोजित आपला भरत चषक है, जिसका आयोजन पूर्व उप महापौर भरत नखाते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है। आज इसकी शुरुआत पूर्व महापौर जवंत सुतार के उपस्थिति में की गई। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और फिटनेस का संदेश देते हुए 23 वर्षों से आपला भरत चषक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होता रहा है। आज लोक नेता और विधायक गणेश नाइक ने भी यहाँ भेंट दी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में एडवोकेट नीलेश भोजने, संपत सेवाले और पूर्व सांसद संजीव नाइक समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यहां विधायक गणेश नाइक और बीजेपी पदाधिकारियों ने पूर्व उप महापौर भरत नखाते के व्यवहार और उनके जनसेवी कार्यों का गुणगान करते हुए जन्मदिन की बधाइयां दी। भरत हा मनाचा मोकळा जीवन जगणारा हा एक माझा कार्यकर्ता है। भरत नखाते न खाते म्हणजे न खाणारा, काय बोलतो मी, आता खाणाऱ्यांची चर्चा भरपूर आहे पण न खाणाऱ्यांची चर्चा कोण करत नाही। तर भरत न खाते गेली जवळजवळ 24 वर्ष अंडर आर्म स्पर्धांचं त्यातील नियोजन केलं जातं, काही उद्दिष्ट ठेवून केलं जातं। आज भरतनी इथल्या मैदानाची अडचण सांगितली, इथल्या टपऱ्यांची भूमिका सांगितली, समोर आपल्या महापालिकेच्या म्हणजे MGM कॉलेज हायस्कूलच्या बाजू हॉस्पिटलच्या बाजूला बहुउद्देशीय इमारतीचं विनियोग करण्याची भूमिका सांगितली, मासली मार्केट आणि भाजीपाल्याचं मार्केट, सिनियर सिटीजन, विद्यार्थी, व्यायामपटू सगळ्यांच्या समस्या त्यांनी त्याला लिहून घेऊन ये माननीय आयुक्तांच्या बरोबर आपण चर्चा करू आणि मी सांगतो विश्वासानं 99% त्याच्यातून आपण यश मिळू। भरतला पुन्हा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, जीव हजार साल। हमारे प्रिय नेते, माजी उपमहापौर भरतभाई नखाते जी, ये गए 22 वर्षों से, ये 23वां साल है मेरे ख्याल से, रेगुलरली ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर आर्म, तो बच्चों को इतना उससे प्रोत्साहन मिलता है, ग्राउंड का जो खेल है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो उनके बर्थडे, उनका बर्थडे आता है 14 फरवरी को, 14 फरवरी को, तो उसके पहला अभी उस दिन सब लोग नहीं आ पाते, तो कोई संडे रख के वो एक मैच वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं यहाँ पे, तो उससे एक अच्छा माहौल बनता है। और ये सख्त ज़रूरत है अभी के टाइम का, ये बहुत ज़रूरी है कि ये मोबाइल, लैपटॉप, इसके अलावा बच्चों ने ग्राउंड के खेल खेलना, इसके लिए ये जो उन्होंने रेगुलर जो कर रहे हैं वो कार्यक्रम, ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और आज योगा होगा ऐसा कि मेरा बर्थडे भी है, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से, हर साल बुलाते ही है लेकिन इस बार बहुत ही प्यार से बुला के बर्थडे भी सेलिब्रेट किया मेरा। वो तो हर एक को अपना सा बना लेते हैं। भरत भाई का तो मेरे पिताजी के मित्र है, मेरे भी मित्र है, पीयूष भाई मेरे बहुत निकट के मित्र है, बाबूलाल जी है, तो ये सारा जो टीम वर्क है यहाँ का वो इतना बेहतरीन तरीके से टीम वर्क करके हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि इनका वारसा, इनका बेटा अक्षय, उसने ये चलाना चाहिए हर साल। भरत भाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अक्षय है, उनका पूरा सिद्धू है, उनकी टीम है, तो सारे जिस प्यार से, जिस भावना से करते हैं, ये हर साल होना चाहिए। और अभी तो इस बार तो छोटे बच्चे जो जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, भरत भाई को पूछ रहा था मैं कि छोटे बच्चे कैसे आ गए, तो बोला इनको भी चांस देना चाहिए ताकि उनको उस खेल का आनंद मिले, उसकी आवड़ निर्माण हो और वो भी आगे खेले बड़े बच्चों के साथ। तो ये बहुत ही बेहतरीन इनका ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है और चलते रहना चाहिए। वहीं पूर्व उप महापौर भरत नखाते ने कहा कि बीते 22 वर्षों से यहाँ खेल के जरिए सामाजिक एकजुटता और फिटनेस का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अंडर आर्म जो क्रिकेट की जिस चषक लगा है वो केवल एक दिन के लिए चलेगा, क्योंकि 12वीं की एग्ज़ाम्स है। और दूसरी बात, तो आज संडे है,
और बहुत सारे लड़के लोग स्कूल पढ़ते हैं, कोई कॉलेज जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, और संडे के अलावा ऐसा दिन मिलता ही नहीं है। और मेरी इच्छा है कि कोई भी अपना काम धंधा छोड़कर ये सब खेल में सहभाग ले। पहला काम धंधा चाहिए, शरीर स्वस्थ रहने के लिए, उसका आरोग्य सेहत अच्छी रहने के लिए खेल भी ज़रूरी है। तो एक दिन काफ़ी होता है, और एक दिन के लिए मैंने ये टूर्नामेंट रखी है। ये कई सालों से चल रहा है, ये मुझे लगता है एक आज का ये 23वां साल है जो अंडरआर्म किया है। और पहले हम लोग करते थे तीन तीन दिन, चार चार दिन, लेकिन देखा कि यंग जनरेशन उसके वजह से छुट्टी मार रहे हैं, कोई काम पे नहीं जा रहे है, कोई कॉलेज में नहीं जा रहे, और मैच चालू हुए देखने के लिए घर में झूठ बोलकर मैं स्कूल में जाता हूँ, और घर में ऐसे बोलते और स्कूल में जाते नहीं और मैच देखते थे। तो ये गलत जो मैसेज था वो समझ के हमने वो सब तीन तीन दिन का वो बंद किया, और ये छुट्टी के दिन ही हम लोग करते हैं। एक्चुअली 14 फरवरी मेरा बर्थडे रहता है, जन्मदिन रहता है, और उस माध्यम से मेरे जो कार्यकर्ता लोग हैं, सभी कार्यकर्ता उन्होंने तय किया था कि बर्थडे के दिन अपन एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखे। मुझे याद है कि सबसे पहला नवी मुंबई में हम लोगों ने, तभी हम वो पार्टी में थे, तभी अंडरम नाइट के टूर्नामेंट रखे थे शिवसेना चषक नाम से, जो सेक्टर एक में जो शौचालय है अबुधाबी बैंक के सामने वहाँ पे रखे थे। और उस दिन से हमने ये प्रोग्राम चालू रखा है, वो आज भी बरकरार है। और ये आरोग्य अभी 14 फरवरी को मंगलवार है, उस दिन यानी कल 13 तारीख है, 13 तारीख को हम सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्वच्छता मुहिम जो सेक्टर एक की जो आजू बाजू का परिसर है वहाँ पे स्वच्छता मुहिम यानी कचरे जो साफ सफाई को जो लड़का आदमी लोग आते हैं उनको उस दिन हमने ठेकेदार को बोला है कि आप छुट्टी दो, अभी हम हमारा कचरा साफ करेंगे। तो वो मुहिम कल है, और 14 तारीख को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आरोग्य शिविर है, जो अपोलो हॉस्पिटल से अच्छे डॉक्टर तज्ञ आएंगे, और यहाँ पे हेल्थ के बारे में हमारा सभी परिवार का हमारे ये प्रभाग के लोगों में ज्येष्ठ नागरिक है उनका जांच करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मार्केट वालों ने उस दिन हर आने वाले को 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक जो भी आएंगे उनको 1 किलो कांदा और 1 किलो बटाटा फ्री ऑफ चार्ज देने का उन्होंने ज्ञान दिया। भरत नखाते, माननीय भरत नखाते साहब जो है इनके माध्यम से आज जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मेन हेतु जो है कि बच्चों में फिटनेस लाना, अवेयरनेस लाना, बच्चों को हमेशा फिट रखना, और उसी माध्यम से उन्होंने जो स्वच्छता अभियान जो रखा हुआ है ये बहुत अच्छी एक पहल है। माननीय नगर से वो अपने भरत नगाते साहब जो है ठीके, और हमारे नीलेश भोजने साहब जो भी है माननीय ये एडवोकेट साहब है, तो ये सब लोग मिलके इन्होंने जो टूर्नामेंट जो रखी है इससे बहुत लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, एक स्फूर्ति मिलती है कि ये ऐसे टूर्नामेंट होते रहे। कंपटीशन में लोग आते हैं, हार जीत का जो बात होती है तो उसमें उनको और मज़ा आता है कि कंपटीशन में खेलने का है। ये सब ओवरऑल जो इसका पूरा श्रेय जाता है भोजने साहब को, भरत नगाते और उनकी जो टीम को है, तो मैं वंस एक फिर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ कि वो ऐसे बच्चों के प्रेरणा देने के लिए, यहाँ के लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्वच्छता अभियान और या क्रिकेट के माध्यम से वो अपना कार्य जोर से शुरुआत चालू रखें। गणेश मित्र मंडल के माध्यम से और हमारे इस प्रभाग के लाडला नेता भरत नखाते, इनका 14 तारीख का बर्थडे है, और इस अवसर पर लगातार 23 साल ये वार्ड का जो क्रिकेट खिलाड़ी है उनको कुछ क्रिकेट के इसमें हिस्सा ले, इसलिए अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा उन्होंने संपन्न है। भरत नखाते ये कुछ राजनीति के लिए काम नहीं कर रहा है, तो समाज में बैठने वाला आदमी, सुख दुख में सहभागी होने वाला आदमी निश्चित तौर पे समाज में रहना चाहता है। आज उनका बर्थडे के पहले ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उनको मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, और भरत नखाते को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दे दे, ये भगवान गणेश जी के साथ प्रार्थना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट।
टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।